आप देख रहे हैं पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज, देश की हकीकत आपकी आवाज। अमेठी बलिया के वरिष्ठ पत्रकार रतन सिंह के हत्या का मामले पर अमेठी में सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च जलाकर निकाला मौन जुलूस। सपा महिला कार्यकर्ता गुंजन सिंह ने सरकार से की मांग, देश का चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी है इस सरकार में असुरक्षित, इनकी सुरक्षा हेतु बीमा 50 लाख का मुआवजा और शस्त्र लाइसेंस प्रदान करना चाहिए। अंबेडकर तिराहे से गांधी चौक तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाला कैंडल मार्च। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। मैं समाजवादी पार्टी से गुंजन सिंह, जिला महिला महासचिव, और ये बलिया में अभी जो वरिष्ठ पत्रकार रतन सिंह राजपूत की बहुत निर्मम तरीके से हत्या हुई है उसी को उसमें हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। तो मुझे देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला हमारा पत्रकार साथी जो है वो बीजेपी के राज में इस तरह से की समस्या है कि पूरी तरह से वो असुरक्षित है। हम सिर्फ सरकार से यही मांग करते हैं कि क्या नाम है, हमारे जो पत्रकार साथी की निर्मम तरीके से हत्या हुई है उनके परिवार को जो उचित मुआवजा मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले, और उनको जो है वो शस्त्र लाइसेंस का जो है मुहैया प्रदान की जाए, उनके लिए बीमा की पूरी तरह सुविधा हो। हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं बस।